और इस बीच आपको सीधी ले चलते हैं किसानों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं, अपने प्रगतिशील किसानों का यहां पर सम्मान करती है, किसानों के हितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हमारी वह प्रतिबद्धता हर एक अवसर पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास देश की आबादी का लगभग 16.5% की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाइयों के मेहनत से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 21 से 22% का योगदान देता है। ये बगैर परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव नहीं, और इसमें सर्वाधिक बड़ी भूमिका होती है हमारे उन किसान भाइयों का जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती के लागत को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है एक एक हेक्टेयर खेती में 100 क्विंटल से अधिक धान उत्पन्न करना, 95 से 100 क्विंटल के बीच में गेहूं का उत्पादन करना, प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 क्विंटल गन्ने का उत्पादन करना, यह अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से करके दिखाया है, और इसीलिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ पे दे करके उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है।